अपने सात साथियों की शहादत के बावजूद पुलिस और पोलियो वर्कर्स डट गए। कराची में पोलियो मुहिम आज भी जारी। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के फराइज पुलिस कमांडोज अंजाम दे रहे हैं। सिपा सालार राहिल शरीफ का आईजी सिंध एडी ख्वाजा को टेलीफोन। कराची में पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहीद एहलकारों के अहले खाना से ताजियत। सिंध पुलिस का मुकम्मल साथ देने के आजम का इजहार। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकार यासीन अंगोर की नमाज जनाजा जिला सांगड़ में उनके अबाई गांव गोट यूसुफ अंगोर में अदा। नमाज जनाजा में एसपी डॉक्टर फारूक लंजार की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की कब्र पर सलामी। किसी भी सियासी रहनुमा और मुंतखब नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। पुलिस एहलकारों के कत्ल में कल अदम मजहबी जमात मुलविस है। डीआईजी कराची वर्ष का कहना है कि तफ्तीशी टीमें काम कर रही हैं। वारदात में जो असलहा इस्तेमाल हुआ वो पहले भी मुतअद्दिद वारदातों में इस्तेमाल हो चुका है। कहते हैं कि हर पुलिस एहलकार हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन सकता। कराची वालों होशियार, महकमा मौसमियात ने जुम्मे से इतवार तक शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज करने की पेशगोई कर दी। आवाम को घरों से बाहर निकलने में एहतियात की हिदायत जारी। छोटू गैंग की गिरफ्तारी। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध के कई सियासतदानों की नींदें हराम। डाकुओं के हथियार फेंकने से पंजाब और सिंध की हुकूमतों में हलचल। गैंग के मुमकिन इंकशाफात पर कई बासर अफराद के सहूलतकार के इल्जाम में पकड़े जाने का इम्कान। अदालत की डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत से माजरत। बगैर पेशी मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। जज कौसर अब्बास जैदी ने समाअत से इनकार के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाजत दी गई। पीटीआई ने F9 पार्क में धरना न देने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वजीर दाखिला की अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। लैया के नवाहे इलाके करोड़ला अली से नवाही गांव में मुजरे सेहत मिठाई खाने से बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। 17 अफराद की हालत गैर। जाँ बहक अफराद में 3 भाई भी शामिल। फतेहपुर थाने में मुकदमा दर्ज। दुकानदार गिरफ्तार। लाहौर में पाक फौज के साथ अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात का एक दिन महफूज शहीद गैरिजन में होने वाली तकरीब में फौजी मशकों का मुजाहरा। आर्मी कमांडोज ने दहशत गर्दों के खिलाफ क्विक एक्शन का नमूना पेश किया। तो सबूरे पाकिस्तान देने वाले अजीम मुफक्कर फलसफी और शायर मशरक अल्लामा इकबाल का आज 79वां यौम वफात अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मज़ार इकबाल पर आवाम का दाखिला बंद। आज होने वाली तमाम तकरीबात मंसूख।